Hi everyone, welcome again. So guys, this is Kuldeep Singh Gariya, and today I'm going to show you how to clean a WC unit. So सबसे पहले इसके लिए हम तैयारी करेंगे. हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए WC clean करने के लिए? सबसे पहले preparation, हमारी तैयारी, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं. So come guys, let's see. So ये मेरी कैडी रेडी है. तो कैडी रेडी करने में ये हमें चाहिए डस्टर. आपके पास डस्टर होना चाहिए, स्मॉल स्क्रबर होना चाहिए, ग्लव्स चाहिए जो आपकी सेफ्टी के लिए, एंड R3 इज ए ग्लास क्लीनर. लेकिन WC क्लीन करने के लिए हमें R3 की कोई ज़रूरत नहीं है. सो WC को हम साइड में रख लेंगे. R9 इज ए हार्ड वाटर सरफेस क्लीनर. बेसिकली ये स्पेशल है हार्ड वाटर के स्टेन को क्लियर करने के लिए. इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. R9 इज ए सैनिटाइजर क्लीनर, ए WC के कवर उसको क्लीन करने के लिए. एंड R6 इज ए WC बाउल क्लीनर, जो डर्ट को क्लियर करता है. R5 इज ए रूम फ्रेशनर, ये हमें वॉशरूम लास्ट में जब क्लीन कर लेंगे इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ेगी. और मिनी सिक्वेजी, ये सिक्वेजी इसलिए कि जब भी आप WC क्लीन करने जाएं, वॉशरूम में इंटर रहें, अगर वहाँ फ्लोर पे पानी है तो सबसे पहले वो पानी को आपको क्लियर करना है. वो इसलिए कि आप गिरे ना, तो सेफ्टी फर्स्ट है. कोई भी काम करें तो सेफ्टी सबसे पहले फर्स्ट है. ओके, तो स्टार्ट करेंगे किस WC क्लीनिंग करने. ग्लव्स पहनिए. ग्लव्स इसलिए आपको यूज्ड टॉवल्स और वगैरह वगैरह कबाड़ वगैरह है ये सबसे पहले हटाना है. तो सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनना है सेफ्टी के लिए, अगर आपको बीमारियों से बचना है. ओके, WC का अधिकार. तो ये तो बताना ही भूल गया है, ये WC ब्रश है. ये मैंने कवर किया हुआ, कवर इसलिए किया हुआ है कि केमिकल पे ये लगे ना बीमारी. और सबसे पहले इनको रिमूव कर दें, जो आपके यूज टॉवल हैं इनको हम एक साइड हटा देंगे. अपना जो भी टॉयलेट पेपर है, जो भी ट्रश वगैरह है, आप उसको क्लियर कर देंगे, एक साइड रख देंगे. जो भी ट्रश जमीन पे फैला हुआ है उसको भी क्लियर कर देंगे. तो सबसे पहले हम WC का वाटर रिलीज करेंगे, क्लियर करेंगे. देन R6 को लेंगे हम और बिल्कुल सर्कल में डालेंगे, जो कि केमिकल पूरे तरीके से फैले. ओके, तो देख रहे हैं आप, जैसे R6 अगर आप इस एंगल में डालेंगे तो ये पूरे WC का जो बाउल है उसमें अच्छे से फैल जाएगा. और एक मिनट करीबन इसको छोड़ दें, जो कि ये जम्स को क्लीन कर रहे, तब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं. सो अब इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए. ओके, कभी भी आप WC क्लीनिंग कर रहे हो तो सब ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें, WC ब्रश को कभी भी इस तरीके से मत मारें. जल्दीबाजी में बहुत बार रूम अटेंडेंट ऐसा कर देते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो सकता है WC यूनिट. तो उसको नॉर्मली अगर आपको पानी को छिटकना है तो आप यहाँ मार सकते हैं. ओके, देन R9 हम यूज करेंगे ए हार्ड स्पेस सरफेस के लिए. तो ये स्क्रबर है, स्क्रबर लेंगे हम, जो ये इसमें हार्ड वाटर का स्टेन है उसे रिमूव करने के लिए इसको साफ कर लेंगे. दिख रहा है R1 स्पेशली जम्स को क्लियर करने के लिए ये हम यूज करते हैं R1 को. तो जो ये सीट का कवर है, ठीक है, कवर में आप स्प्रे कर देंगे नॉर्मल. देन हल्का सा स्क्रबर लेके इसको रगड़ देंगे, स्क्रब कर देंगे.
देन डस्टर लेके, डस्टर को हमेशा आप इस तरीके से नहीं यूज करना, डस्टर को हमेशा एक फोल्ड बना लें, इस तरीके का फोल्ड करके इसको बिल्कुल वाइप कर दें, बिल्कुल ड्राई। डस्टर गीला होना तो फ्रंट लो उसको हल्का सा, आप अभी देखिए ये अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है, ये इसका कवर बिल्कुल क्लीन है, कवर भी क्लीन है, एंड इनसाइड द डब्ल्यूसीसी यू कैन सी एवरीथिंग इज क्लीन। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जब आप डब्ल्यूसी सीट को क्लीन करते हैं, ये डब्ल्यूसी का जो कवर है इसको जोर से नहीं रखना है, इसको नॉर्मली जाने दो आप इस तरीके से। अगर आप इसको जोर से रखेंगे ये इसके जो इधर पार्ट होता है वो लूज हो जाएगा, लूज होगा तो फिर ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर ये फ्री हो गया तो नॉर्मली आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ टच होगा कर, तो ये ब्रेक हो सकता है। इसको नॉर्मली जिस तरीके से ज्यादा उसे जाने दें। मोस्टली होटल डब्ल्यूसी बैंड यूज करते हैं, लेकिन इस टाइम पे कुछ होटल्स को अवॉइड भी कर रहे हैं, सो वी आर नॉट यूजिंग हियर डब्ल्यूसी बैंड, तो डब्ल्यूसी बैंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। फिर स्क्रबर लेके हमेशा आप इन एरियाओं को देख सकते हैं, डब्ल्यूसी के जो साइड के कॉर्नर्स एरिया होते हैं वॉल, इनमें थोड़ा स्पीच का दाग देते हैं हल्का सा, आप इसको इन एरिया को साफ स्क्रबर इसको क्लीन कर लें कॉर्नर्स को। हमेशा ध्यान रखें सेफ्टी का, कोई सामान टूटना फूटना नहीं चाहिए नॉर्मली। इस तरीके से क्लीनिंग, यानी एक ड्राई डस्टर लें इसको वाइप कर दें। इसको चेक करके भी देखें कि पानी प्रेशर ठीक है या नहीं है, पानी आ रहा है। सो गाइस डब्ल्यूसी बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से डब्ल्यूसी को क्लीन करते हैं। हमेशा याद रखें अभी कोई भी क्लीनिंग हमें करनी, कोई भी काम हमें करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन होना चाहिए, केमिकल हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए, डस्टर वगैरह हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ग्लव्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, तो उनका केयर भी आपको ही करना है। सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। जब भी आप कोई क्लीनिंग करें तो ग्लव्स का हमेशा यूज करें, आफ्टर क्लीनिंग ग्लव्स उतार के ग्लव्स को भी वॉश करके एक साइड में रख लीजिए, अपने हैंड को भी अच्छे से वॉश करना है जो कि बीमारियों से भी आप बचें। तो बड़ा हार्ड वर्क है हाउसकीपिंग का, क्लीनिंग का काम है, तो हमेशा सेफ रहे, हमेशा अलर्ट रहे। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस इसको शेयर करें, खूब शेयर करें और दूसरों को भी सिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।